नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसटी ट्रेड और जो है नॉन डीएसटी ट्रेड के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में डाउट है डीएसटी और नॉन डीएसटी को लेकर, तो चलिए आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं कि आखिर डीएसटी और नॉन डीएसटी में क्या अंतर होता है, किससे करेंगे कि जॉब हमें जल्दी मिल जाएगा और किससे बेहतर होगा करने में। तो चलिए पूरा आपको क्लियर कर देते हैं। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा इस फॉर्म के प्रारूप को आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है फिटर डीएसटी एनसीबीटी, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन लिखा है डीएसटी एनसीबीटी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रीशियन एनसीबीटी और इलेक्ट्रीशियन फिटर जो है यहाँ पे लिखा है फिटर एनसीबीटी। मतलब जो ये ट्रेड है ये नॉन डीएसटी है और जो ये वाली ट्रेड है ये डीएसटी है। तो वही यहाँ पे समझना है कि अगर ये डीएसटी वाला ट्रेड मिलता है, अगर डीएसटी फिटर इलेक्ट्रीशियन मिल जाए तो फ़ायदा क्या होगा, या फिर जिसके आगे डीएसटी नहीं लिखा अगर वो मिल जाता है तो फिर क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जो प्रॉस्पेक्टस दिया गया है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जो है सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा और मैं उसी के माध्यम से आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएसटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो डीएसटी का पूरा नाम है वो है डुअल सिस्टम ट्रेनिंग, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, डीएसटी का पूरा नाम है। और इसके बाद जो है इसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको आईटीआई में जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले इसकी बात करें इसके बारे में, तो देखिए लिखा है यहाँ पे लिखा है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आवेदित व्यवसाय में प्रवेशित अभ्यर्थियों को आईटीआई एवं उद्योग के माध्यम से उच्च सेवा योजकता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब दोस्तों इसमें ये है कि आपको आईटीआई कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और फिर इसके बाद उद्योग में काम भी कराया जाएगा। उद्योग का मतलब किसी भी कंपनी में आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। मतलब पढ़ाई के साथ जो है आप किसी भी कंपनी में जो है कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए जॉब भी करते हैं। इस जॉब में कोई भी पैसा वगैरह नहीं मिलता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाता है, बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी होती हैं वो दिखाया जाता है, वही यहाँ पे बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि इस हेतु संस्थान और उद्योग के माध्यम से अनुबंध किया जाता है। मतलब उद्योग और जो संस्थान होते हैं इनको आपस में मिलाया जाता है और संस्थान के माध्यम से उद्योग जुड़े होते हैं और उद्योग जो है वो संस्थान से जुड़े होते हैं ताकि वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत एक वर्षीय अगर आप एक वर्ष का कोर्स करते हैं तो 3 से 6 महीने का जो है आप प्रयोगात्मक प्रशिक्षण जो है कंपनी में जाके करते हैं। अगर आप 2 वर्षीय कोर्स करते हैं जैसे फिटर इलेक्ट्रीशियन है तो आपको 6 से लेकर 12 महीने का जो है आपको प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उद्योग के माध्यम से प्रदान कराया जाएगा। यही इसमें बात होती है, जैसे कि अगर आप जो है आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो 6 से 12 महीने का कंपनी में जॉब कर पाएंगे, मतलब कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप 1 साल करते हैं तो 3 से 6 महीने का जो है इसमें क्राइटेरिया होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपके कुछ और नियम शर्तें होती हैं, वो नियम शर्तें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये दूसरे स्टेट का प्रॉस्पेक्टस है, उसके माध्यम से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कुछ और आपको जानकारी यहाँ से और ज़्यादा मिल जाएगी। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली। इसमें बताया गया है इस प्रणाली के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण छात्र छात्राओं को बेहतर जो है व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संस्थान में ना करवाते हुए इंडस्ट्री परमिशन से करवाई जाती है। मतलब यह कि जो आपको कॉलेज में जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो वर्कशॉप होते हैं वहां पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग वर्कशॉप में ना देकर किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो ट्रेनिंग आपको दिलाई जाती है। इस प्रक्रिया को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली की पाठ्यक्रम के अनुसार केवल थ्योरी भाग ही अध्ययन जो है आप संस्थान में जो है कर सकते हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल होती है वो ट्रेनिंग किसी भी इंडस्ट्री में जो है करवाया जाता है। वही बात यहां पर कहा गया है।
ठीक है। और इसमें एक बात और कहा गया है, जैसे कि इसमें भी वही बात कहा गया कि एक वर्ष में करते हैं तो 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पे लागू होगा, और 2 वर्ष के लिए करते हैं तो 6 महीने से 12 वर्ष के लिए लागू होगा। लेकिन अगर आप जो है DST ट्रेड भरते हैं तो DST ट्रेड में अंतर इतना होता है कि आपका 17 वर्ष लगभग 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 17 वर्ष पूरा कर लिए हैं तभी जो है DST ट्रेड आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है 14 वर्ष से कम है तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। 14 वर्ष आपका हो चुका है तब भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर 17+ है 18 वर्ष तक है तो आपको DST ट्रेड जो है वो मिल सकता है। और दोस्तों जो नॉन DST होता है, नॉन DST में जो है आपको कॉलेज में ही जो पढ़ाई की जाती है, जो कॉलेज में वर्कशॉप होते हैं उसमें ट्रेनिंग करवाई जाती है, कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। यानी सारा जो प्रक्रिया होता है वो आपके जो है कॉलेज में ही होता है, बाहर कहीं जाना नहीं होता है। यही है DST और नॉन DST में अंतर।